जो कहने से तुम शर्माती हो वो बात कहो तो मैं कह दूं, जो कहने से तुम शर्माती हो। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं बहुत ही एक प्यारे से गीत का नोटेशन बता रहा हूँ। इसको रफी साहब जी ने गाया है। जो कहने से तुम शर्माती हो वो बात कहो तो मैं कह दूं, ठीक है। बहुत ही प्यारा ये गीत है और ये देखते हैं इसका नोटेशन मैं आज आपको बता रहा हूँ किस तरह हमारा ये बजेगा और किस तरह आप इसको तैयार करेंगे। हमारे इस गीत का जो हमारा ओरिजिनल स्केल होगा वो होगा एफ शार्प मेजर, ठीक है। और ये गीत हमारा राग बिलावल में है, ठीक है। और इसमें जो ताल बजती है वो कहरवा ताल है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह हमारा ये गीत आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहे। और चैनल की प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएं, उसमें आपको हजारों वीडियो मिलेंगे। हो सकता है उसमें से बहुत सारे गाने आपके पसंद के हों तो आप उनको भी निकाल कर बजा सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करें। जो कहने से तुम शर्माती हो, ये जो हमारा स्थाई बजेगा इससे पहले एक म्यूजिक आता है। सबसे पहले मैं आपको म्यूजिक बजा के दिखाता हूँ, उसके बाद उसका नोटेशन बताता हूँ, फिर चलते हैं हम स्थाई पे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल स्लो में म्यूजिक को पहले बजा के दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको उसकी लय पता चल जाए और फिर आप उसको जब बजाएं तो वो बिल्कुल इसी लय में आए। ये हमारा शुरू का म्यूजिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इस म्यूजिक को देखते हैं। म्यूजिक का जो पहला फेज होगा ये पहला फ्रेज होगा सा रे गा मा पा, सा रे गा पा धा पा गा मा पा गा, ये पहला फ्रेज है, ये इतना बड़ा फ्रेज है, ठीक है। फिर से आप देखें, मैं और सोलो में बताता हूँ। सा रे गा मा पा, सा रे गा पा धा पा गा मा पा गा, इतना ये पहला फ्रेज होगा, ठीक है। उसके बाद में गा मा पा रे गा मा सा रे गा नी सा रे धा नी सा, इस तरह। फिर से देखें सेकंड फ्रेज गा मा पा रे गा मा सा रे गा नी सा रे धा नी सा, और ये हमारा जब स्पीड में बजेगा तो इस तरह। उसके बाद में जो तीसरा फ्रेज आएगा वो होगा गा मा पा धा नी सा पा गा मा पा धा नी सा पा, चौथा फ्रेज फिर से देखें गा सा रे गा मा धा पा मा गा रे सा नी धा, चौथा फ्रेज हमारा ये इतना बड़ा होगा, ठीक है। गा सा रे गा मा धा पा मा गा रे सा नी धा, और जब हमारा वो मेन टेम्पो में बजेगा तो किस तरह आएगा, इस तरह गा सा रे गा मा धा पा मा गा रे सा नी धा, और पांचवा फ्रेज नी सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह नी सा
रे गा मा पा धा नी सा, इतना हमारा म्यूजिक बजेगा। उसके बाद में हमारा शुरू हो जाता है गीत। अब आइए एक बार फिर से मैं आपको म्यूजिक थोड़ा स्लो में पूरा बजा के दिखाता हूँ। इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा म्यूजिक है। सबसे पहले आप म्यूजिक को तैयार करें, इसके बाद हमारा शुरू होता है अस्थाई। जो कहने से तुम शर्माती हो, जो जो के नीचे नी, जो नी कहने से सागा रेसा, कहने से सागा रेसा, जो कहने से तुम सा, जो कहने से तुम शर्माती हो, शर्माती हो, नीनी सागा रे सासा, शर्माती हो, नीनी सागा रे सासा। कई लोग मेरे वीडियो देखते हैं और वो कहते हैं कि आप जो है दो पार्ट चार पार्ट इतने पार्ट क्यों बनाते हैं और इतना गाने को लंबा कर देते हैं। तो मैं उन सबसे यही कहूंगा, देखिए अभी जल्दी जल्दी में मैं आपको बजा करके डाल देता हूं, ठीक है। लेकिन क्या उससे आपको फायदा हो जाएगा, क्या वो आपको समझ में आ जाएगा? अगर कोई चीज मैं बना रहा हूँ, जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में ही नहीं आएगी तो हमारी भी मेहनत बेकार जाएगी और आपका देखना भी बेकार जाएगा, क्योंकि आप तो उसको बजा नहीं पाएंगे। मैं एक एक बोल को इसलिए कई कई बार बताता हूँ क्योंकि जो थोड़ा सीखे हुए हैं, जो थोड़े समझदार हैं, वो तो जल्दी बजा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही स्लो में जब उनको एक एक शब्द बताया जाता है तभी वो समझ पाते हैं। और ये वीडियो मैं बनाता हूँ तो मैं सबके लिए बनाता हूँ, ताकि कोई भी व्यक्ति उस वीडियो को देखे और उसको आसानी से बजा सके। इसीलिए वीडियो के दो दो तीन तीन चार चार पार्ट बनते हैं, क्योंकि जब मैं बहुत स्लो में बताऊंगा तो बात खिंचेगी तो वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं। जो कहने से तुम शर्माती हो, यहां तक नोटेशन आप देख चुके हैं। उसके बाद वो सारे गामा, वो बात कहो तो, बात मामा, बात कहो तो, कहो मामा तो माँ, बात में भी दो माँ लगेंगे, कहो में दो माँ लगेंगे और तो में एक माँ, तो यहाँ पर हमारे लग जाएंगे पांच माँ। बात कहो तो मामा मामा माँ, मैं कह दूं रेसा रेगा, कह दूं रेसा रेगा, ठीक है, कह दूं वो बात कहो तो, मैं कह दूं जो, फिर से जो आ जाएगा रेसा, जो कहने से तुम, कहने से तुम सागा रे सासा, शर्माती हो, नीनी गा रे सासा, शर्माती हो, नीनी गा रे सासा। इस तरह हमारा ये रवि साहब जी का आएगा सिंगिंग। उसके बाद में फीमेल गायकी आ जाती है। इसके बाद जो फीमेल गायकी आएगी उसमें हमारी बिल्कुल सेम सरगम लगेगी, ठीक है। जब आप इसको बजा लेंगे तो वो बोल अपने आप बच जाएंगे। जो सोच के तुम रहे जाते हो, बिल्कुल सेम सरगम, जो सोच के तुम रहे जाते हो, वो
बात कहो तो मैं कह दूं जो सोच के तुम रह जाते हो। बिल्कुल सेम सरगम, इसमें सरगम बताने की जरूरत नहीं है। जब आप पहली लाइन बजा लेंगे रफी साहब जी की, बिल्कुल उसी सरगम पे हमारी ये फीमेल लाइनें भी बजेंगी, ठीक है। इतना बजने के बाद में फिर हमारा आ जाता है फिर से म्यूजिक, ठीक है। तो इस म्यूजिक को भी मैं पहले आपको एक बार बजाकर दिखाता हूँ, फिर उसका भी नोटेशन बताता हूँ, ठीक है। ये म्यूजिक हमारा आएगा, ठीक है, अस्थाई के बाद में। तो आइए इसका भी नोटेशन देखते हैं। पहला फ्रेज म्यूजिक का क्या होगा, गामा गामा पा धा सानी सानी धा पा मा गामा पा धा नी सा गामा पा धा सानी सानी धा पा मा गा मा पा धा नी सा, ये पहला फ्रेज होगा। दूसरा सानी पा रे 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 सानी सानी धा सा 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 सा, फिर से देखें, सानी पा रे 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 सानी धा सा 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 सा, ठीक है। फिर से देखें सेकंड फ्रेज, सानी पा रे 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 सानी धा सा 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 सानी पा रे 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 सानी सा, ये सेकंड फ्रेज होगा। सानी सा लास्ट में, उसके बाद में फिर नीचे आ जाएंगे, पानी सारे मम मगारे गगा गरे सा पानी सारे मम मगारे गगा गरे सा नी सारे गी सा, इस तरह। फिर से देखें लास्ट फ्रेज, नी सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह पे हमारा ये म्यूजिक आएगा स्थाई के बाद। एक बार मैं फिर से आपको इसको बजा के दिखाता हूँ स्लो में। इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा म्यूजिक आएगा, इसको भी आप बजाएं। तो सबसे पहले शुरू का म्यूजिक, फिर स्थाई, फिर म्यूजिक। इस पार्ट में मैं इतना ही बताऊंगा आपको, इसको आप पहले इतना तैयार करें। जब इतना जब तक आप तैयार करेंगे तब तक हम आपको दूसरा पार्ट भी बना के भेज देंगे, लेकिन जब तक इसको ये तैयार नहीं होता तब तक दूसरे पार्ट को नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले अंतरा के साथ, तब तक इसको खूब प्रैक्टिस करें। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आप देखिए प्रॉपर सीखना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, संगीत की समझ लेना चाहते हैं, जैसे मैं नोटेशन लिख के आपको देता हूँ, आप भी बिल्कुल म्यूजिक में निपुण होना चाहते हैं, तो फिर आप क्लास ज्वाइन करें और उसको प्रॉपर समझें। कोई भी विषय हो उसमें जब तक हम अंदर घुसते नहीं हैं और जब तक हमें कोई पढ़ाता नहीं है, समझाता नहीं है, सिखाता नहीं, तब तक हम कोई भी चीज़ सही ढंग से कभी नहीं कर पाते। चाहे आप मशीन बनाना सीखें, चाहे आप बाइक बनाना, कुछ भी करना सीखें, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो किसी ना किसी से हमें सीखनी ही पड़ती हैं, और तभी वो सही ढंग से हमें आती हैं और तभी हम उनको सही ढंग से बजा पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, क्लास ज्वाइन करें और घर बैठे सीखें, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। बस जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मिलते हैं, नमस्कार।